अगर वो इसी तरह से बेखबर रहे और यथार्थ का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए तो धीरे धीरे कांग्रेस की सारी पूंजी लुट जाएगी और वो खाली हाथ रह जाएगी। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे तो 300 की संख्या दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को न केवल सवय बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 303 सांसदों के साथ नमन किया। आपको बता दें कि 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उनकी पहली सरकार गिर गई थी तो उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस अगर नहीं सुधरी तो कभी भारतीय जनता पार्टी की 300 से अधिक सीटें आएंगी, वे कांग्रेस की लुटिया डूब जाएगी। आज उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई पारी का शुभारंभ किया तथा आज शाम वह अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट।